हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहाँ है। मुझे अपने प्रिय पुत्र हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को कूच की आज्ञा देनी चाहिए। आपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूं। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल एक महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण एक महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुर्धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति ये है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छाव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की यह विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार केवल इन्हें सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का बस विनाशी हुआ समझिए।
महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के चार बड़े द्वार हैं। उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने चार संक्रम भरे हुए हैं, जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं। उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं। चार प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है, जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। हम तुमसे सहमत हैं कि अब सेना को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप सबकी सम्मति से सेनानायक का कार्यभार संभालते हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाए, ऐसे विजयी मुहूर्त में हमारी सेना की यात्रा आरंभ। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान बानरों को लेकर सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फलमूल की अधिकता हो, शीतल जल और मधु मिलने का सुविधा हो। तुम्हारे दल को दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, जिससे हमारे मार्ग में शीतल जल और फलों को वो विष आदि से दूषित न कर सके। आगे चलते हुए शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हम पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील की सहायता के लिए महाबली गए गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चले।
सेनापति वृषभ सेना के दाएं भाग में रहकर सेना की रक्षा करते हुए चले। परम वेगवान और परमवीर गंधमादन सेना के बाएं भाग में चले। मैं लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ सेना के मध्य में रहेंगे और वहीं से सेना का संचालन होगा। देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरो, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोहमंता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय, यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहे कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप चलने का आदेश दीजिए। जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव,
प्रकाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महा अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। काम न पूर्ण होगा नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का, उसे मिटाने चले की जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का, समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय धन्य है देवता प्रसन्न है, तीनों लोक धन्य है देवता प्रसन्न है, आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महा चाहे कौन की जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले, आगे रघुनाथ हैं वीर साथ साथ हैं, आगे रघुनाथ हैं वीर साथ साथ हैं, एक से एक बली, एक से एक बली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर
हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे राम, हम सब समुद्र तट तक पहुंचकर चिंतित हो गए थे कि सागात जलधि को कैसे पार करेंगे। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, परंतु अब प्रश्न यह है, इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए। हाँ, यदि इसे लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। इसके लिए गहरे सोच विचार की आवश्यकता होगी। तब तक आप सेनापतियों से कहिए अपने अपने पड़ाव डाल दें और समस्त युद्धपति सावधान रहकर सेना के चारों ओर पहरे का प्रबंध रखें, ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जो आज्ञा प्रभु, नल नील आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर समस्त नदियों के स्वामी है, इसलिए इनमें समस्त तीर्थों का वास है। चले सागर देवता का चरण स्पर्श करें। चलिए। मर्यादा में एक से सागर और श्री देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जलनिधि। भैया, क्षितिज के उस पार कहीं भाभी बैठी आपकी राह निहार रही होंगी। यदि इस समय उन्हें कोई बता पाता कि हम लोग सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर प्राण आ जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, काश इस समय उसे कोई यह बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है, परंतु उसे यह सब बताएगा कौन। बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीता, धीरज रखना प्रिय, यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना। माता, आज बड़े ही शुभ शुकुन हो रहे हैं, मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं, अनजाने आनंद की लहरें उमड़ रही अंतर में। तभी बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो, आज पहली बार तुम्हारी वाणी में ऐसा उल्लास और मुखड़े पर चमक दिखाई देती है। हाँ माता, सोते सोते ही ऐसे लगा जैसे मेरा बाएं हाथ मेरे स्वामी के हाथ तक पहुँच गया। पुत्री, यूँ कह कि तेरे नाथ श्री राम का हाथ इस नर्क से तेरा उद्धार करने के लिए उठ गया है। अवश्य उस विराट वानर ने तेरा संदेशा तेरे स्वामी को सुना दिया है। उनके पग लंका की ओर तेरा उद्धार करने के लिए बढ़ चुके हैं। यही अर्थ है तेरे अंतर में उमड़ते आनंद और इन शुभ शकुनों का। सच? हाँ। सहसा बड़े अशुभ अपशकुन हो रहे हैं नाथ, भावी भय आशंका से मेरा अंतर कांप उठता है। अपशकुन?
हमसे पूछे बिना ये अपशकुन लंका में कैसे प्रवेश कर गए? ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है महाराज। मैं आपसे जो कुछ निवेदन कर रही हूँ वो स्वप्न नहीं, सत्य अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी। स्त्रियाँ स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। वैसी डरपोक मैं नहीं हूँ महाराज। मैं त्रिलोक विजेता दशानन लंकेश की पटरानी हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है नाथ। हाँ, भय और आशंका है तो केवल अनीति और अधर्म से। आपको भी अवश्य कुछ अनुभव होता होगा। हमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा महारानी। रावण के पास आते हुए भय को भी भय लगता होगा। नहीं महाराज, हर प्राणी की अंतरात्मा उसे अवश्य चेतावनी देती है। हाँ, वो दूसरी बात है कि अपने अहंकार और जय जयकार में उसे वो आवाज सुनाई नहीं देती। स्वामी, आप जरा अपने अंदर झांक कर देखिए। जब से आप सीता को लंका ले आए हैं, क्या आपका मन पहले की भांति शांत है? क्या आपको ये दिखाई नहीं देता कि तब से सदा कुछ न कुछ अमंगल सूचक अपशकुन हो रहे हैं? क्या अमंगल हो रहा है? मैं पूजा करने बैठती हूँ पर ध्यान नहीं लगता। यज्ञ हवन की शुद्ध अग्नि में से दिव्य गंध के स्थान पर दुर्गंध आने लगती है। धुएं में काली मां भरी मलिनता छाई रहती है। वेद पाठ करने बैठती हूँ पर वेद मंत्र भूल जाती हूँ। दाहिने आंख फड़क कर अशुभ संकेत देते हैं नाथ। तुम्हारे निर्बल मन की आशंका का क्या उपाय हो सकता है? उपाय एक ही है प्राणेश, सीता को आदर सहित रघुवर के पास पहुंचा दीजिए। रानी, अब पता चल गया तुम्हारी असली अमंगल की आशंका का कारण, सीता का सौत या डवा। नहीं, सीता मेरी सौत नहीं। किंतु होगी, अवश्य होगी, और उस दिन से तुम्हारा पटरानी पद छिन जाएगा। इसी अमंगल की आशंका से अधीर रहती हो तुम। मंगल हो या अमंगल, अब सीता जिएगी तो लंका में और मरेगी तो लंका में। क्या बात है, किसके ये नाद है? त्रिलोक विजेता लंकेश्वर महाराज की जय हो। गुप्तचर समाचार लाए हैं महाराज। क्या समाचार लाए हैं महाराज? समाचार है, सीता का पति राम अपने भाई लक्ष्मण और किष्किंधा के राजा सुग्रीव की बहुत बड़ी वानर सेना के साथ सिंधु के उस पार आ गया। और कुछ? जी नहीं महाराज। अच्छी बात है, जाओ। आपने सुन लिया महाराज, वो अपनी सेना लेकर लंका के उस पार तक पहुंच गए हैं। रानी मंदोदरी, उस पार और इस पार में आकाश पाताल का अंतर है। स्वामी, उनका एक दूत लंका में आ गया, पूरे राज्य में हाहाकार मचा गया। सर सोचिए स्वामी, विचार से, विवेक से, नीति अनीति का विवेचन करके विचार कीजिए नाथ। सोच विचार का काम मंत्रियों के साथ किया जाता है। बुद्धिमान, विचारवान, नीति निपुण मंत्रियों और महाभट योद्धाओं की कमी नहीं लंकेश्वर के राज दरबार में। जो कुछ सोच विचार होगा राज दरबार में होगा। करत रही मंदोदरी बारंबार सचेत, अभिमानी समझो नहीं संकट को संकेत, अभिमानी समझो नहीं संकट को संकेत। हर पल सीता सोचती कब आवे श्री राम,
असुर दुरात्मा को मिले करनी को परिणाम कब आवे श्री राम। सीते पुत्री पुत्री सारे नगर में चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है माता? कि राम की सेना समुद्र के उस किनारे आ गई है। गुप्तचर ये समाचार लाए हैं। सच सच माता, मेरे नाथ देवर जी आ रहे हैं। सच आ रहे हैं? हाँ, मेरे सपने सत्य होने का समय आ गया है। हे अम्बे, हे गौरी माता, तुम्ही ने मेरे सपने सत्य किया था, तुम्ही मेरे सपने सत्य करोगी। ऐसे सपना मत कहो सीता, ये साक्षात होनार सत्य है। सुनकर लंकेश भी चिंता में पड़ गए होंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न हुए।